एक गरीब लड़के को अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की से प्यार हो गया था। एक दिन उसने अपने दिल की बात उस लड़के को बताने का फैसला किया और वो उसके पास उस लड़के के पास पहुंचा। उसे पता नहीं था कि उस लड़के को पैसों का बहुत घमंड है और गरीबों को बेनीचा निगाह से देखती है। उसने जब उससे प्यार का इजहार किया तो वह उसे नीचा दिखाकर बोली, मेरी लिपस्टिक खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है, चले हो प्यार करने, मैं तुम्हें जैसे टीचर से प्यार नहीं कर सकती। लड़के को बहुत बुरा लगा, वे चुपचाप वापस चला गया। कॉलेज ख़त्म हो गया, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। 10 साल बाद अचानक एक शॉपिंग मॉल में लड़की उस लड़के और उसे कॉलेज की बात याद आ गई। वे फिर लड़के को नीचा दिखाते हुए बोली, अरे तुम तो वही हो जिसने कॉलेज में मुझे प्रपोज किया था, क्या कर रहे हो आजकल? खैर जो भी कर रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी शादी हो गई है और मेरे हस्बैंड एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं, महीने के 5 लाख कमाते हैं। वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है, 15,000 भी कमाते हो या नहीं? लड़का खामोश रहा। वे देखकर हैरान था कि इतने साल बाद भी वो लड़की नहीं बदली। लड़की अपने पति के हाथों में हाथ डालकर घमंड से इतलाते हुए बोली, ये मेरे हस्बैंड हैं जिनके बारे में तुम्हें बता रही थी। फिर वे अपने पति से बोली, डियर ये है उसका पति। उसे टोक कर बोला, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ये उस कंपनी के मालिक हैं, कई बिजनेस हैं इनके, और मैं जो शॉपिंग मॉल है ना ये भी इनका है। लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पति ने पूछा, तुम कैसे जानती हो सर को, हम एक ही साथ कॉलेज में थे। लड़की धीरे से बोली, अरे तब तो तुम उस घमंडी लड़की को ज़रूर जानती होगी जिसने सर की गरीबी के कारण इनका प्यार ठुकरा दिया था और बहुत बेइज्जत किया था। सर ने उसी दिन ठान लिया था कि ज़िंदगी में एक बड़ा बहुत बड़ा काम हासिल करना है। आज वो लड़की सर को देखेगी तो ज़रूर पछताएगी। लड़की शर्म से पानी पानी हो रही थी। लड़का मुस्करा रहा था। लड़की ने अपने शब्दों से उसे नीचा दिखाना चाहा मगर वे उसकी मेहनत से ऊंचा उठ गया था कि अब लड़की खामोश हो चुकी थी। सीख दोस्तों, जब सफलता शोर मचाती है तो वो सारी आवाज़ें खामोश हो जाती हैं जो अब तक नसरत बनकर को चुबा करती थी। थैंक यू।